सलाम असलम फ्रेंड्स तो कैसे आप सब लोग उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे आफियत से होंगे तो आज हमारा ये पार्ट नंबर टू प्रोबेबिलिटी का है तो सबसे पहले पार्ट में मैंने क्लास नाइन्थ का प्रोबेबिलिटी क्लास टेंथ का प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटीज यानी क्लास नाइन्थ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्लास टेंथ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बिल्कुल बेसिक से मैंने प्रोबेबिलिटी का ए जो बोलते हैं ना ए बी सी वो मैंने सारा डिस्कस कर दिया था अब आपको चाहिए हाँ वो लेक्चर थोड़ा बड़ा बन गया था फिफ्टी मिनट्स का बन गया था लेकिन बर्थन आपको याद रखना है अगर आपको प्रॉब्लिटी में क्वेश्चन करना है हमें बेसिक से ही चलना पड़ेगा तो चलिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा उसी के बेस पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर वन को स्टार्ट सबसे पहले अगर आपने अभी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जहां पर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं आपको वहां पे थाउजेंड एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के मिलते हैं ई आर मोइिन मजीद उसका नाम है आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी मैं हूँ आपको वहां से सारा मटेरियल ये जो पीडीएफ डी एफ क्वेश्चंस एफ क्वेश्चन सारे मिल सकते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी का बेस्ट मटेरियल आपको वहीं पे मिल जाएगा ठीक है और थाउजेंड एमसीक्यू स्टार्ट किया है मैंने और आपको पता है मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टैटिस्टिक्स भी स्टार्ट की है आपको पता है मैंने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट किया है आपका मेरी ई आर मोमिन मजीद यूट्यूब चैनल है आपको वहां पर सारा सारा मटीरियल मिल जाएगा आपको पता है मैंने आपके लिए कंप्यूटर भी बना दिया है उसके एमसीक्यूज भी बना दिए है और बहुत ही जल्दी में जनरल साइंस जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट करने वाला हूं वो भी स्टार्ट करने वाले है तो चलिए अगर आपने अभी तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर दीजिए आप भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेकंड पार्ट को जो हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट होगा इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ठीक है तो चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर वन को देख लेते हैं है, तो है, आप है, है आपको थाउजेंड तो टाइम्स आप बताता है एक क्वाइन uh, जो है उसको हजार बार टॉस किया गया विदोइंग फ्रीक्वेंसीड फोर फिफ्टी फाइव टाइम्स आ गया हेड कितनी बार आ गया बेटा फोर फिफ्टी टाइम्स आ गया फोर फिफ्टी फाइव टाइम्स आ गया ठीक है

नंबर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ए टोटल ऑफ आउटकम्स थी ना यही फॉर्मूला थी आपको तो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर का कैसे आप करते हैं आप चलिए तो देख लीजिए दे प्रोबेबिलिटी तो सबसे पहला चीज अगर ये फोर फिफ्टी फाइव है इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी बार आ रहा है कितने की प्रॉबिलिटी होगी

और स्टेटिस्टिक्स में भी तो आपको फॉलो करना चाहिए ठीक है और इकोनॉमिक्स मैंने बेस्ट दे रहा हूं आपको ले जाओ अगर आपको वो चाहिए तो आप ज्वाइन हो जाइए टू क्वाइंसियसली फाइव हंड्रेड टाइम्स दो क्वाइंस बताओ बेटा अगर दो क्वाइंस हमारी सैंपल स्पेस क्या निकलेगी अगर हम दो क्वाइंस दे, देखेंगे सैंपल स्पेस हमारी निकलेगी हेड हेड है ना तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर थ्री टू को चलिए हेड 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 टेल टेल हेड है ना और टेल टेल अब कितनी बार इसको हम साइमल्टेनियसली uh, टॉस कर रहे हैं 500 टाइम्स कर रहे हैं है ना बताता है हमको टू हेड्स कितनी बार निकल रहा है 95 टाइम्स निकल रहा है आपको हर किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बताओ अगर टू हेड्स नाइन्टी फाइव टाइम्स आ रहा है टोटल टाइम्स कितनी बारह फाइव हंड्रेड टाइम्स तो इसका मतलब प्रॉबिलिटी क्या होगी टू हेड्स की सिंपल है सिंपल है सिंपल है तो प्रॉबिलिटी आपको बेटा हो जाएगी तो आप इसको देख सकते हैं प्रॉबिलिटी एक मिनट तो यहां पे आप लिख सकते हो इसको फाइव फोर्टी फाइव डेड बाई तो आपके पास यहां पे अगर हम क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे सैंपल स्पेस तो जरूरत नहीं है यहां पे सीधे करते हैं टू हेड्स की प्रॉबर्टी क्या है फाइव हंड्रेड सॉरी तरह अगर आपको निकालना है वन टेल की टेल कितनी बार आ रहा है टू नाइनटी तो टू नाइनटी आउट ऑफ टोटल में कितने हैं पांच सौ सिंपल जब नो no हेड्स है कोई हेड ही नहीं है कितनी बार है, तो है, है कि नहीं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलिए तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए अच्छे से देखना इसमें हंड्रेड डिस्कस करूंगा बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेकिन बेसिक होंगे सबसे पहले मैं बताऊंगा बेसिक नाइन टेंथ के लेवल के होंगे अच्छा जी थ्री कॉइन्सियसली हंड्रेड टाइम्स ठीक है आपको हंड्रेड टाइम्स है तो ये दिया है आप आपको देखना है Uh, are, uh, again, of, अगर तीन होगा, ठीक ठीक है? रही है तीन को किया times, है? आपको रहा है रही को किया टाइम्स, आपको जब दो हेड्स आनेटी सिक्स टोटल कितने 100. इसका मतलब 36 100 पहले का दूसरा पार्ट थ्री हेड्स कमिंग अप कितनी है? 12. तो 12 सिंपल है बेटा सिंपल है

उसके बाद आप पार्ट नंबर फोर्थ को कर सकते हो गेटिंग मोर हेड्स देन टेल्स कहां पर आपको हेड्स ज्यादा होंगे टेल्स से आपको तीन कॉइंस है इसका मतलब जब आपको नो हेड्स होगा इस वक्त तो हेड कोई नहीं है, नहीं होगा ये वन हेड होगा नहीं तब तो दो टेल्स होंगे सॉरी हाँ इसका मतलब आपको हेड्स ज्यादा होंगे इसमें और इसमें इसका मतलब 36 12 इज 6 2 इज 8 तो 48 आ जाएगा तो 48 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा इसका आंसर

475 थी, वो थी। आप देखते हैं करते करते हम कैसे है तो बेटा देख जब कोई नहीं है ना 211 है, है ना तो टोटल तो देखना है टोटल में कितनी फैमिली है पंद्रह सो फैमिलीज है तो पंद्रह सो डिवाइड में आ जाएगा पार्ट नंबर टू का आंसर ठीक है ये क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर फोर पार्ट नंबर वन क्या टू हंड्रेड एंड एलेवन बाई पंद्रह सो पार्ट नंबर टू का बताओ बेटा ऑप्शन बताओ आप कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर वन गर्ल एट वन फोर्टीन बाई पंद्रह सो उसके बाद तीन गर्ल बताओ बेटा तीन गर्ल सॉरी दो गर्ल्स बताता है तीन पार्ट जब दो गर्ल्स होता है तो फोर फाइव तो फोर फाइव डिवाइडेड बाई पंद्रह सो सर जी समझ आ रहा है ये तो बेसिक है हाँ बेसिक से ही स्टार्ट करना आप आप है एडवांस्ड तक पहुंचेंगे आपसे आपसे वादा है फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट कहाँ है एट मोस्ट वन गर्ल एट मोस्ट वन गर्ल यानी वन गर्ल से ज्यादा नहीं होना चाहिए टू गर्ल्स अलाउड नहीं है इसका मतलब 814 को पहले इससे ऐड कर लो तो 814 211 ये बनेगा 4528910 तो इसका आंसर आएगा 1025 डिवाइडेड बाय 1500 और फिफ्थ पार्ट इसका आप खुद कर सकते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे तो फिफ्थ पार्ट आपके लिए रखते हैं घर के लिए डू इट ठीक है अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को सर जी क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है उसको भी दिखा दीजिए क्वेश्चन नंबर फाइव आपका बता रहा उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फोर किया था अब ये क्वेश्चन नंबर फाइव है

क्वेश्चन नंबर सिक्स अब क्या बोलता है मोर देन 70 परसेंट आप देख लीजिए और देख लीजिए एक बार मोर देन 70 परसेंट मार्क्स किसको है आप देख लीजिए कितनों को है मोर देन 70 परसेंट कितनों को आता है आप देख सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70 परसेंट तो इसका मतलब आपको वो ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा ठीक है तो आप वो अब कर सकते हो ठीक है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं इसी तरह आपको ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना अब।, अब इसी तरह आपको क्या करना है काम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है लेस देन सेवेंटी परसेंट सर जी लेस देन सेवेंटी परसेंट में कौन सा आ जाएगा लेस देन सेवेंटी परसेंट में आ जाएगा सिक्सटी नाइन परसेंट है ना तो ये आप कर सकते हो फिर बताना बताता है कितनों को डिस्टिंक्शन मिली है डिस्टिंगशन कितनों को मिल गई है तो वो भी आप ढूंढ सकते हो ये तो बिल्कुल आसान सी बात हो गई ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं हम तो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके लिए रखते हैं आप खुद करेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा सो so डू इट आगे चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन पे टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट मैथमेटिक्स तो क्वेश्चन नंबर सेवन है पर आपका मैथमेटिक्स के बारे में ओपिनियन लेना है

क्वेश्चन नंबर एट को देख लो द ब्लड ग्रुप ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर रिकॉर्डेड एज फॉलो ये ब्लड ग्रुप है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट तीस का ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द क्लास फ्रॉम ब्लड डोनेशन फाइंड द प्रॉबी दैट द ब्लड ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट चूजन इज अब एक स्टूडेंट को इनमें से लिया गया रैंडमली चूज किया गया स्टूडेंट को ब्लड डोनेशन के लिए बताओ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा उसकी प्रॉबर्टी क्या होगी उसकी ब्लड ग्रुप होने की अगर उसका ए है ए होने के कितने चांसेस है जो भी आप बच्चों बच्चों जिस बच्चे को आप चूज करोगे उसके ब्लड ग्रुप के ए होने के चांसेस कितने हैं आप देखोगे ए कितनी बार आ रहा है चलो गिनो एक बार ए की कि, कितनी -कितनी खाली होना चाहिए एट नाइन तो आएगा नाइन पार्ट नंबर वन आएगा नाइन डिवाइडेड बाई थर्टी टोटल है ना थर्टी पार्ट नंबर टू देख लो अब क्या ढूंढना है बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसका मतलब सिक्स बाई थर्टी आ जाएगा है ना अब देख लेते हैं पार्ट नंबर नेक्स्ट पार्ट नंबर थ्री देख लेते हैं पार्ट नंबर थ्री क्या है बेटा ए बी ए बी कितनी बार आ रहा है वन टू थ्री तो थ्री बाई थर्टी आ जाएगा पार्ट नंबर फोर क्या है ओ ओ कितनों को है एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह तो बारह बाई थर्टी आ जाएगा है ना उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर नाइन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन आट, हर किसी को पांच के लिखा गया लेकिन उसमें तो कम ज्यादा तो होता ही है ना किसी में कम किसी में ज्यादा अच्छा उनका एक्चुअली में जो वेट था वो ये था क्या क्या था एक को था 4.97 ठीक है दूसरे का था 5.05 ठीक है तीसरे का था 5.08 इसी तरह 5.03 5.00 5.06 5.08 5.09 4.98 5.04 5.07 5.00 प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चूजन चूजन एट रैंडम कंटेन्स मोर देन 5 केजी no, बताओ मोर देन 5 केजी किसको है ठीक है कितनों को मोर देन 5 केजी ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया आपको ढूंढना है पहले कितने हैं वो एक है ना 5.05 ठीक है इसको चूज करते हैं 5.05 भी बड़ा है पांच से ये भी बड़ा है दो तीन ये तो नहीं है ठीक है ये मोर देन बुरा है तो ये नहीं आएगा तो 5.06 भी है 5.0 भी 8 भी है ये भी है ये भी है तो कितने बन गए गिनो और उसको लिखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन उसका मतलब सेवन बाई इलेवन इसका आंसर आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन का सेवन बाई इलेवन आंसर है बेटा ठीक है समझ आ रहा है बेटा तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर टेन देखिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या है बताता है फॉलोइंग टेबल शोज द बर्थ मंथ ऑफ फोर्टी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ ये बर्थ मंथ है कौन किस मंथ में पैदा हो गया ठीक है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबिलिटी स्टूडेंट वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट फोर्टी स्टूडेंट यानी जनवरी में तीन स्टूडेंट हो गए थे पैदा फेबर में चार मार्च में दो अप्रैल में दो मे में, में पांच जून में इसी तरह सारा अब बताता है जो अगस्त में हो गए स्टूडेंट उनकी प्रॉबिलिटी क्या होगी पहले आपको ढूंढना है अगस्त में कितने हैं पांच डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं फोर्टी तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा वन बाई एट ठीक जाएगा वन बाई एट आ जाएगा ठीक है तो आप सीधे कर सकते हो ना आपको बताना है द कितने बच्चे uh, बॉर्न हो गए थे इन अगस्त तो अगस्त में तो जाहिर सी बात है ये तो खुद बताता है पांच बच्चे हैं जब पांच बच्चे होंगे तो इसका मतलब फाइव कितनों में से टोटल कितने फोर्टी है? है तो दि फाइव में फोर्टी कर लोगे क्लियर है बेटा चलो बेटा जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की तरफ गिवन बिलो इज दिगार्डिंग डेज ठीक है आपको कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड की दी है और डेज देकर है कितनों कितनी डेज के लिए थी ठीक है फाइंड द ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इन द इंटरवल जीरो पॉइंट का मतलब इस वाले इंटर में ऑन एनी ऑफ दीज डे इसका मतलब क्या आ जाएगा 2 30 आ जाएगा सिंपल सी बात है, days, days कितने है? कर लो 15 से, तो वही इसका आंसर आ जाएगा ठीक है तो टू डि फिफ्टीन वो क्या आ जाएगा वही इसका आंसर होगा ठीक है तो इसका आंसर हमने ढूंढा कि पॉइंट वन टू में से पॉइंट वन सिक्स तक कितने हैं इतने डेज आ रहे हैं उधर दो डेज डिवाइड बाई क्या सॉरी डिवाइड बाई थर्टी है सॉरी यहाँ पे गलत हो गया डिवाइड बाई थर्टी तो मुझे नजर नहीं आया तो यहाँ पे आपको थर्टी करना है डिवाइड तो टू डिवाइडेड बाई थर्टी ठीक है वो आएगा टू डिवाइड बाई थर्टी ठीक है इसका मतलब वही इसका आंसर बनेगा क्लियर है तो चलिए आगे इसका मतलब फाइंड अच्छा ये हमने किया क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आप बता रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देख लीजिए

Earning रुपीज, or more. अब से ज्यादा ये वाला है और exactly मतलब okay, चलिए बेटा पार्ट नंबर थ्री की तरफ पार्ट नंबर थ्री क्या है अर्निंग लेस देन सेवन थाउजेंड पर मंथ एंड डॉट ओन एनी वहीकल कोई व्हीकल नहीं है और इनकम uh, कितनी है लेस दे वो तो टेन आएगा साउथ व्हीकल्स है. किन, किन जीर। है उसके बाद चलते हैं और एक पार्ट पे देखते हैं क्या है पार्ट नंबर आ, पार्ट. अर्निंग है तेरह हजार से सोलह हजार और, और ओनिंग मोर देन टू व्हीकल्स ठीक है इसका मतलब तेरह हजार से सोलह हजार तक जाना है तेरह हजार से सोलह हजार ये हो गया तेरह हजार से सोलह हजार और यही बता रहा है ना कितना कितना कर रहा है है तो वो कितना है आपके पास आप देख सकते हैं सोलह हजार में more than, अब वो टू कितना है 25. तो आएगा ट्वेंटी फाइव बाई टू फोर जीरो सिंपल अब चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर फिफ्थ ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक व्हीकल से ज्यादा इसका मतलब एक व्हीकल से ज्यादा मतलब एक व्हीकल तक अलाउड है इसका मतलब इसका मतलब मतलब मैं ब्लू पे यूज़ करता ये वाला इसमें आ जाएगा सारे तो इन प्लस 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 तो इन सारों को कीजिए आप जब इसको करेंगे कुछ इस तरह आ जाएगा मैं भी करता हूँ आप भी कीजिए फाइव ओके प्लस फोर सिक्स प्लस 535, okay, प्लस ये कितने हैं दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तो प्लस करेंगे फोर्टीन तो वो आएगा टू जीरो सिक्स टू तो इसका आंसर बनेगा टू जीरो सिक्स टू डिवाइडेड बाई टू फोर जीरो जीरो ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर सिक्स क्या बोलता है एक्चुअली इसका लास्ट पार्ट है ओनिंग ओनिंग एट लीस्ट वन व्हीकल जिनके पास कम से कम एक व्हीकल तो है इसका मतलब आपको अब रेड से दिखा देते हैं इसका मतलब ओनिंग एट लीस्ट वन व्हीकल में आ जाएंगे ये सारे ठीक है इसका मतलब आपको क्या करना है टोटल में से आपको देख लीजिएगा टू फोर जीरो जीरो माइनस फोर्टीन कर दीजिए तो टू थ्री एट सिक्स डिवाइड बाय क्या कर लोगे टू फोर जीरो जीरो तो यही इसका आंसर होगा ठीक है समझ आ रहा है बेटा तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, तो है क्वेश्चन अच्छा जिनका फोर हंड्रेड अवर्स से पांच सो अवर्स लाइफ टाइम निकला वो कितने थे वो फिफ्टी सिक्स थे तो ये फिफ्टी सिक्स थे, थे जिनका फाइव हंड्रेड से सिक्स हंड्रेड में निकला वो सिक्सटी थे इसी तरह ये सारा टेबल आप पढ़ सकते हो लेकिन आप देखो सवाल आपको आप मतलब आप ऐसे कर सकते हो लेस देनोर कितन में से है? देखो 400। हंड्रेड से पार्ट बिटवीन थ्री हंड्रेड टू एट हंड्रेड इसका मतलब थ्री हंड्रेड से यहाँ से आपको जाना है बेटा यहाँ से इस थ्री हंड्रेड से 800 हंड्रेड तक यहां, यहां तक इन सारों को एड करते जाओ एड करते जाओ 14 56 60 86 और 74 को वो कितना आ जाएगा 14 को प्लस करेंगे हम 56 प्लस करेंगे हम 60 प्लस करेंगे 86 प्लस करेंगे 74 वो बनेगा 290 तो 290 डिवाइडेड बाय 400 इसका आंसर होगा अब बताता है एट लीस्ट 700 तो तीसरे पार्ट का आंसर मुझे खुद बताओगे डू इट

बताओ एक वर्कर को हमने सिलेक्ट किया रैंडमली बताओ उसकी प्रॉबलिटी क्या होगी उसकी वेज उसकी वेज लेस देन 150 होगी ठीक है 150 से कम 150 से से कम कम होगी कितने लोग आते हैं तो इसका मतलब 7 से डिवाइड करेंगे हम कितने हैं टोटल थर्टी तो ये पहले पार्ट का आंसर है पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू क्या है एट लीस्ट रुपीज टू हंड्रेड टेन एट लीस्ट है इसका मतलब दो सौ दस तो उसमें है ही है इसका मतलब लास्ट के दो आएंगे तो अगेन ठीक है और उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है मोर देन और इक्वल टू से बड़ा या इक्वल हो सकता है इसका मतलब यहां से है ये ठीक है मैं यहाँ पे यूज करता हूँ ब्लू कलर तो यहां से ये यह स्टार्ट होता है लेकिन ये बोलता है बट लेस देन टू टेन टू टेन से लेस का मतलब यहां तक तो सिक्स प्लस फाइव इज इलेवन इलेवन प्लस इज सिक्स है ना तो सिक्सटीन बाई थर्टी इसका आंसर बन जाएगा तो इसका आंसर बनेगा सिक्सटीन बाई थर्टी आई होप ये आपको समझ आया तो ये कर आप कुछ कर लेते फिर उसके बाद एक और मैं लाऊंगा जिसपे मैं टेंथ के क्वेश्चन लाऊंगा ठीक है तो सारा डिस्कस करेंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले तो ये देख लीजिए आपके पास इसका सोल्यूशन भी निकालते हैं सर जी कैसे करना है एन अनबायस्ड डाई ये डाई है इसको थ्रो किया गया सबसे पहले जब आप डाई को थ्रो करोगे ना सैंपल स्पेस निकलेगा वन कॉमा टू कमा थ्री कॉमा फोर कमा फाइव कमा सिक्स सिंपल आप बताओ देखो पार्ट कितने इजी है नंबर वन पार्ट सर बताओ प्रॉबिलिटी क्या होगी आपको इवन नंबर निकलेगा इवन नंबर कितने हैं तो टोटल में कितने हैं तो दूसरा पार्ट इसको कैंसिलेशन से कर सकते हो खुद वो तो आसान है एम मल्टीपल ऑफ थ्री कितने इसमें मल्टीपल ऑफ थ्री है जो थ्री के टेबल में आते हैं थ्री भी है और सिक्स भी है कितने थ्री तो और, और सिक्स है ना तो टोटल में कितने नंबर हो गए वन टू थ्री और थ्री सॉरी वन टू थ्री सिक्स है ना लेकिन दो बार तो ये हो गए चार ही नंबर तो फोर डुड बाई सिक्स इसका आंसर आ जाएगा I hope आपको समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 by 6, इसका आंसर बन गया पार्ट नंबर एंड मल्टीपल ऑफ थ्री इवन नंबर टू फोर सिक्स है और मल्टीपल ऑफ थ्री क्या है थ्री कॉमा सिक्स तो इसका भी आ जाएगा आ, इसको क्या बोलते हैं लेकिन ये बोलता है एंड साथ साथ होना चाहिए वो मल्टीपल ऑफ थ्री देखिए इवन नंबर अब यह डिफरेंट है उससे पहले और था यानी दोनों में से कोई भी हो सकता था लेकिन अब बोलता है एक तो आप इवन नंबर होना चाहिए मगर वो इवन नंबर मल्टीपल भी होना चाहिए वो कितने हैं जरा देखो इवन नंबर है इसमें से कितने मल्टीपल ऑफ है खाली एक है, six, तो इसका वन बाई सिक्स आ जाएगा ठीक है चलिए पार्ट नंबर फाइव पे चलते हैं हम पार्ट नंबर फाइव देख लीजिए बेटा क्या बोलता है ए नंबर थ्री और फोर अगर आप थ्री और फोर देखोगे तो थ्री और फोर दो नंबर है तो दो डिड बाई सिक्स आ जाएगा फाइव का आंसर

चलिए बेटा आगे चलते हैं पार्ट नंबर टेंथ एंड नंबर बिटवीन थ्री एंड सिक्स थ्री और सिक्स में कितने है? दो फोर फाइव टू डिड बाई कर लेते हैं अब हमारे पास अनब क्वाइंस है तो चलिए अनबाइसड तो पता ही होता है क्या होता है अब दो क्वाइंस है उनको टॉस किया गया तो क्या निकलेगा सबसे पहले सैंपल स्पेस निकलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर वन जब आपको दो हेड्स निकलते हैं वो तो है एक डिवाइड बाई टोटल कितने है? चार चलिए बेटा दूसरा जब आपको एक ही हेड निकलता है वो किसमें निकलता है या तो इसमें या तो इसमें इसका मतलब दो डिवाइडेड बाई आपको खाली एक टेल निकलती है एक टेल किस कितने में निकलती है दो में निकलती है तो टू डि फोर पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट नंबर फोर्थ आपको बताता है एटलीस्ट वन हेड जब आपको खाली एक वन हेड तो होगा ही होगा दैट मीन्स एक हेड दैट मीन्स

जिसमें कोई हेड ही नहीं है ना वो टेल टेल है इसका मतलब वन डिवाइडेड बाय फोर तो इसका आंसर बन जाएगा तो आगे चलिए आगे चलिए एग्जांपल नंबर थ्री पे थ्री अनबायस्ड कॉइंस आर टॉस्ड टुगेदर सबसे पहले क्या करते हैं सैंपल स्पेस लिख लेते हैं तो सैंपल स्पेस आ जाएगा एच 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 टी एच 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 टी एच टी 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 एच एच टी टी एच टी एच टी फॉमा टी 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 ठीक है तो ये आपके पास कितने पार्ट नंबर वन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स सारे हेड्स होने चाहिए तो एक ही तो ऑप्शन है एक ही तो आउटकम है जिसमें सारे हेड्स निकलते तो वन डिवाइडेड बाई एट आई होप इट इज क्लियर पार्ट नंबर टू वट इज गेटिंग टू हेड्स जब आपको दो हेड्स निकलेंगे दो हेड्स किस किस में निकलेगा आप आपको वो देखना है। में भी दो हेड है, 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 है और किसी में नहीं है इसका आंसर अब चलते है आगे क्या है बेटा वन हेड अब आप आपको बराबर वन हेड है तो वन हेड को क्या आ जाएगा एक ही हेड है बताओ कितनों को एक हेड है एक हेड आ जाएगा इसका एक

या तो वन निकलेगा या कभी टू निकलेगा या इनमें से कोई भी निकलेगा नाइन और टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी है ना अब देख लो बेटा अब देख लो एग्जाम्पल नंबर फोर क्या बोलता है अब बताओ कितने नंबर इसमें होंगे जो मल्टीपल ऑफ थ्री होंगे सबसे पहले मल्टीपल ऑफ थ्री ढूंढते हैं ये भी है ये भी है ये भी है नाइन का ये थ्री के टेबल में आते है ट्वेल्व भी है फिफ्टीन भी है एटीन भी है है ना अब कितने इसमें जो 7 के टेबल में आते हैं भी है 7 14, बस इतनी है. इसका मतलब टोटल ढूंढ लो एक दो तीन चार पांच छः सात और आठ इसका मतलब इसका आंसर एट डिवाइड बाई टोटल में कितने है? 8 20, इसका आंसर है. आगे चलो आगे चलो बेटा अभी तो बाकी है एग्जाम्पल नंबर फाइव भी देख लो एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या है अब देखो अब का मसला आ गया। अब आपको पता है कार्ड क्या होता है आप कार्ड में से रैंडमली एक कार्ड निकाल रहे हो बताओ उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एस होगा सबसे पहले आपको पता है टोटल में एस कितने होते हर किसी सूट के, के तीन एस होते हैं स्पेड के तीन एस होंगे आपके पास उसको बोलते हैं क्लब के तीन एस होंगे डायमंड के आपके पास तीन एस होंगे और हार्ट्स के तीन होंगे तो तीन 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 हो गए बताओ व्हाट इज द प्रॉबर्टी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड रेड कार्ड कितने हैं टोटल थर्टीन है तो आउट ऑफ कितने निकालने हैं फिफ्टी टू सिंपल व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग ईदर रेड और किंग या तो आपको रेड निकलेगा या तो किंग निकलेगा अब सबसे पहले रेड कितने हैं रेड टोटल में कितने हैं रेड आपको पता होगा कि रेड हमारे पास जो है टोटल में वो ट्वेंटी सिक्स होते हैं सिंपल अब किंग्स कितने उसके बाद और आ जाएंगे एक तो आ जाएगा ब्लैक के दो किंग्स आ जाएंगे इसका मतलब ट्वेंटी एट आ जाएगा है ना तो इसका मतलब ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाई फिफ्टी टू आ जाएंगे अब देख लो उसके बाद पार्ट नंबर फोर्थ रेड एंड अ किंग एक तो रेड होगा और वो किंग भी होगा कितने ऐसे होंगे दो ही तो होंगे ना वो देखो एक तो होगा वो डायमंड का किंग क्योंकि वो रेड है और होगा हार्ट्स का किंग क्योंकि दोनों है इसका मतलब टू बेड़ बेड़ पार्ट आ जाएगा बेटा देख लो, देख लो लो ये तो फेस, आ, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल ठीक है ये देखना, यहां पे एस कार्ड, जो हमने पहले पढ़ा था न, एस कार्ड था ना वो मुझे लगता है हमने पहला पार्ट गलत कर दिया हाँ हमने पहला पार्ट गलत कर दिया वहां पे मैंने उल्टा कर लिया देखो हर किसी हर किसी में एक एक

क्या स्पेड के का दूस, जो दूसरा होता है क्या कोई और भी कार्ड में होता है नहीं होता है अगर आपने कार्ड्स को समझ नहीं पा रहे हो आपको पिछला लेक्चर फिर जरूर मैंने उसमें अच्छे से समझाया कार्ड्स क्या होता है कैसे क्या होता है ऑफ अ ब्लैक सूट देखो अब दस है लेकिन किसका ब्लैक सूट का लेकिन ब्लैक में तो दो आते हैं एक तो क्लब भी आता है और आपका स्पेड भी आता है इसका मतलब दो कार्ड्स आ जाएंगे ब्लैक के इसका मतलब टू डेड फिफ्टी टू बन जाएगा क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर Uh, हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं कार्ड्स कार्ड्स नंबर तक नम, नम, uh, है इनको बॉक्स में रखा गया और इनको ऐसे मिक्स किया गया वन पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स अब एक पर्सन कार्ड निकालता है बताओ जो वो कार्ड निकालेगा सबसे पहले मैं सारे नंबर यहाँ पे लिखूंगा इससे हमको आसानी होती है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और सेवनटीन है ना बताओ बेटा बताओ बेटा बताओ बेटा पहला पार्ट और कितने होंगे देखिए और सिंपल सी बात है वन टू तो सेवनटीन तक जाना है तो कितने ऑर्ड्स होंगे बताओ 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 कितने ऑर्ड्स हो जाएंगे सिंपल है सिंपल है कितने ऑर्ड्स होंगे टोटल नाइन होंगे ना नाइन ऑड्स होंगे देखो अगर आपको काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन इसका मतलब नाइन डिवाइड बाई सेवनटीन पहले पार्ट का आंसर पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू ए प्राइम बताओ प्राइम नंबर्स कितने हैं देखो टू प्राइम नंबर है हाँ थ्री प्राइम नंबर है हाँ फोर प्राइम नंबर है नहीं फाइव प्राइम नंबर है हाँ सिक्स भी नहीं है सेवन है एट भी नहीं है नाइन भी नहीं है टेन भी नहीं 11 है इलेवन हाँ, है नहीं थर्टीन है? हाँ, है नहीं सिक्स है प्रॉबिलिटी ऑन कार्ड इज डिज बाई थ्री कितने थ्री तो मतलब के टेबल में कितने आते हैं एक तो चलो इस, इसके लिए मैं कोई और कलर यूज करता हूँ तो चलो ये वाला कलर यूज करते हैं तो एक थ्री के टेबल में ये दो हो गए तीन हो चार हो गए पांच हो गए तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला पार्ट बताता है टू से भी डिवाइड होते हैं से भी होते हैं, ठीक है ठीके? आपको एक्चुअली पता है क्या देखना है? आपको सिक्स का टेबल में देखना है कितने क्योंकि जो आपको थ्री से भी डिवाइड होगा टू से भी डिवाइड होगा इसका मतलब वो सिक्स के टेबल में आता है कितने इसमें आते हैं सिक्स भी आ जाएगा ट्वेल्व भी आ जाएगा इसका मतलब बनेगा चलिए आगे चलते हैं अभी कुछ और क्वेश्चन बाकी है बेटा अभी तो पार्टी बाकी है अब देखो सोल्यूशन इसका थाउजेंड टिकट ऑफ ए लॉटरी वेयर सोल्ड थाउजेंड टिकट को सोल्ड किया गया एंड देर आर फाइव प्राइजेस तो थाउजेंड हमारे पास टिकेट थी ठीक है जो सोल्ड की गई और पांच प्राइजेस थे इनमें से कितने प्राइजेस थे पांच प्राइजेस फ सैकेट हैज परचेज वन लॉटरी टिकट सैकेट ने एक लॉटरी टिकट खरीदी वॉट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ विनिंग प्राइस सिंपल सी बात है पांच ही है ना प्राइजेस लॉटरी तो हंड्रेड टिकट है लेकिन पांच ही टिकट पे होगा ना वोट प्राइजेसिपल सिंपल चलो आगे आगे चलो देखो आगे आगे होता है क्या अ चाइल्ड है बताता है एक चाइल्ड के पास क्यूब है आप ऐसे समझो ये उसके पास क्यूब है लेट सपोज उसको ये नंबर लिखे उसके फेसिस पे यहां पर ए लिखा है यहां पर बी लिखा है और यहां पर सी लिखा है उसके बाद जो अगले तीन है ना मिसाल के तौर पर यहां बच गया इसके ए के पीछे वाला इस बी के इस साइड से वाला इस सी के नीचे वाला वो है ई ए -E बता रहा है बता रहा है वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वट इज द प्रॉबलिटी ऑफ गेटिंग ए जब इसको वो मतलब रोल करेगा डाइस को तो क्या आ जाएगा प्रॉबलिटी ए की ए कितने हैं टोटल में दो है तो दो आउट ऑफ सिक्स है सिंपल दूसरा पॉइंट वट इज द ऑफ गेटिंग डी डी तो एक ही बार आ रहा है कितने में टोटल है टोटल सिक्स है सिंपल 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 क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे पास सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स वट इज द प्रॉबलिटी दैट बोथ विल हैव नंबर वन सेम बर्थडे देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे आपको देखना पड़ेगा बर्थडे का मसला <coughs> देखो अगर दोनों का एक ही टाइम पे बर्थडे होगा इसका मतलब दोनों का सेम इसका मतलब आपको सेम बर्थडे ढूंढना है सेम बर्थडे के लिए दोनों का डे जो होना चाहिए ना डे शुड बी सेम सो डे शुड बी सेम दोनों का सविता और हमीदा का क्या होना चाहिए डे शुड बी सेम अब बताओ अगर डे सेम होना चाहिए वो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं खाली तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी ना दे दोनों का सेम जब होगा ठीक है इसका मतलब हो गया अगर आपके पास सविता है सविता सबसे पहले हम सविता को देखेंगे सविता के पास बर्थडे मत पता है हमें कब होगा लेकिन इसके पास चांसेस क्या है थर्टी थ्री सिक्सटी फाइव होते हैं थ्री सिक्सटी फाइव डेज होंगे है ना कोई भी डे हो सकता है थ्री सिक्सटी फाइव डेज में और इसी तरह हामिदा जो है उसके पास भी कितनी मतलब डेज है उसके भी थ्री सिक्सटी फाइव होगा लेकिन 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 अब ये बता रहा है आपको सविता एंड हमीदा का एक ही बर्थडे होना चाहिए ठीक है क्या होना चाहिए एक ही बर्थडे होना चाहिए दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वेज अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज ये मल्टीप्लीकेशन रूल से होगा जैसे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कॉम्बिनेशन में थ्योरम पढ़ा ही है तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस सविता एंड हमीदा मे हैव देयर बर्थडे कितने होंगे वो हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन थ्री सिक्सटी फाइव मल्टीप्लाइडी हो जाएगा, ठीक है तो अब बताओ सविता अच्छा नंबर ऑफ कितने ऐसे दिन होंगे जिनको देखो ऐसे कॉम्प्लेक्स हो, हो, हो जाएगा इसका सिंपल से मैं आपको बताता हूं सिंपल कैसे करना है ठीक है ये ऐसे थोड़ा कंप्लेक्स हो रहा है ऐसे ऐसे भी निकलेगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये सिंपल है कितने दिन होंगे देखो सारे साल में कितने दिन होते हैं थ्री

अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी प्रॉबलिटी में सेम वो प्रोबेबिलिटीज माइनस कर देंगे जिन पर बर्थडे सेम होता है हमें निकलेगा ना फिर वो वाली जो डिफरेंट बर्थडे होता है इसका मतलब one minus one by कर लो वो आपको निकलेगा डिफरेंट बर्थडे इसका मतलब वो बनेगा थ्री सिक्सटी फोर बाई थ्री सिक्सटी फाइव आगे चलो आगे चलो अभी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर फिफ्टीन है तो ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर फिफ्टीन क्या बोलता है बोलता है हमारे पास क्वेश्चन एपिग बैंक बैंक है कंटेन्स हंड्रेड पैसा फिफ्टी क्वाइंस सॉरी हाँ हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पैसा क्वाइंस तो हंड्रेड फिफ्टी पैसा क्वाइंस है अच्छा जी उसके बाद बताओ सर फिफ्टी वन रुपीज क्वाइन तो फिफ्टी कितने हैं उसके पास रुपीज वन क्वाइन रुपीज वन क्वाइन अच्छा ट्वेंटी टू रुपीज क्वाइन ट्वेंटी कितनी है रुपीज टू क्वाइंस एंड टेन टेन उसके पास रुपीज फाइव है है ना इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द द विल फॉल आउट बैंक इज टर्न साइड डाउन ठीक है अब अगर आप आपको पिगी बैंक को ऐसे जिसे जिसको कश्मीर बुगनी बोलते हैं ठीक है मुझे नहीं पता है उर्दू तो हिंदी में क्या बोलते हैं तो उसको कश्मीरी बुगनी जिसमें पैसे हम स्टोर करते हैं छोटे बच्चे पैसे स्टोर करते हैं उसमें ये सारा माल है अब बोलते हैं, अगर उसको ऐसे ऊपर से ऐसे करेंगे ठीक है नीचे करेंगे नीचे की तरफ बताओ क्या प्रॉबलिटी है जो कॉइन नीचे निकलेगी वो फिफ्टी पैसा कॉइन होगी देखो क्या करना है पार्ट नंबर वन फिफ्टी पैसा कॉइन आपको पहले देखना है वो कितने हैं फिफ्टी पैसा कॉइन कितने हैं हंड्रेड टोटल में कितनी कॉइन्स है देख लो हंड्रेड फिफ्टी हो गया हंड्रेड फिफ्टी हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड सेवेंटी तो प्लस हो गया वन हंड्रेड एट्टी तो हंड्रेड बाई वन एटी इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर टू बताता है कितने ऐसे है जो जिसको जो उसको फाइव रुपीज फाइव नहीं मिल जाएंगे देखो रुपीज फाइव टेन है तो टेन के बगैर जितने भी है, वो coin, रुपीज, तो नहीं है ना इसका मतलब वन तो मतलब क्या करोगे आसान है कि नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कैसा लग रहा है आपको इसी तरह आपको एग्जाम्पल नंबर सिक्सटीन भी है लेकिन 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 इनशाला इन इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आज के क्लास में बस इतना काफी है जितने क्वेश्चन हमने कर दिए अब इसके बाद अभी क्वेश्चन का ही एक और सेशन में लाऊंगा जो प्रोबेबिलिटी पर ही बेस होगा तो इसके बाद भी आपके क्वेश्चन का ही सेशन होगा फिर उसके बाद हम इलेवंथ और ट्वेल्थ का प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा आपको मजा आया होगा अगर आपको मजा आ गया लेक्चर को पसंद किया आपने तो आप इसको एम की वीडियो भी जो होगा उसको भी देखना ना भूले क्योंकि उसमें मैं बहुत तरह के क्वेश्चंस लाऊंगा बहुत आप देखोगे उसमें डिफिकल्टी लेवल की तो इजी इजी क्वेश्चंस है क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ टेंथ के बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी नाइन्थ के पढ़ा रहा हूँ तो उसके बाद जब आप लेवन ट्वेल्थ में जाओगे उसके बाद मैं हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जब दूंगा लेवल इंक्रीज करूंगा आपको फिर मजा आ जाएगा आप बोलोगे स्वाद आ गया सर स्वाद आ गया मजा आ गया तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं तो वीडियो भी बड़ा बन गया है तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज